24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा धनतेरस तथा दीपावली की सुरक्षा दृष्टि को लेकर राजा तालाब कस्बा में किया गया पैदल रूट मार्च आज दिनांक 22/10/2022 को पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा आगामी त्योहार धनतेरस, गोवर्धन पूजा, दीपावली में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगढ़ थाना राजा तालाब क्षेत्र की बाजार में पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान बाजार भीड़ भाड़ वाली जगहों तथा यातायात को सुगम बनाने हेतु सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने तथा त्योहार के दृष्टिगढ़ विशेष सतर्कता रखने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजा तालाब मुन्ना राम तथा जखनी चौकी प्रभारी विवेक त्रिपाठी, राजा तालाब कस्बा चौकी इंचार्ज नंदलाल कुशवाहा, सब इंस्पेक्टर संदीप सिंह, सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह, पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। सर, ये आज आप द्वारा राजा तालाब थाना अंतर्गत पैदल मार्च किया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आजकल बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लोग खरीदारी करते हैं और जेवर की दुकानों पर भी खरीदारी होती है, तो इसमें लोगों में सुरक्षा के लिए आज हमारी पुलिस हर जगह भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में सजग है और उसी सजगता के क्रम में हम सभी लोग आज भ्रमण कर रहे हैं ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो। सर, आज राजा तालाब में आप द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या यहाँ आप द्वारा निरीक्षण के दौरान कोई कमी वगैरह? नहीं, हमने इनको बताया है कि सड़क के किनारे थोड़ा और साफ रखें ताकि यातायात सुगम रहे और यहाँ यातायात में कोई दिक्कत ना पैदा हो। ठीक सर।